हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं लाइट का। दो पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड पढ़ा था लाइट से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, और उसमें जितने मिरर्स होते हैं उनमें से प्लेन मिरर को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मींस कर्व जैसा लग रहा है, और ये प्लेन मतलब फ्लैट जैसा लग रहा है। तो हम प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या लेंगे कि एक प्लेन फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, और उसके एक तरफ यदि हम किसी भी चीज का कोटिंग कर दें या पॉलिशिंग कर दें, पॉलिशिंग, और किससे करना है ये पॉलिशिंग, सिल्वर से, बेस्ट होता है सिल्वर। अगर सिल्वर से कोटिंग की जाती है तो एक अच्छा मिरर दिखता है हमें। पीछे बैक साइड कहलाएगा ये, जिधर कोटिंग की जाती है, और इसके फ्रंट साइड क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला हो गया। इधर हम खड़े होकर अपने आप को क्या करते हैं, मिरर में देखते हैं, और बैक साइड वाला पोर्शन हमारे लिए क्या है, बेकार होता है, ये सिर्फ पॉलिश करके मिरर को बनाने के हेल्प में आता है। ओके, ये प्लेन मिरर की कहानी हो गई। स्फेरिकल में क्या होता है, स्फेरिकल कैसे बनाया जाता है, स्फेरिकल में एक हॉलो सेल लिया जाएगा, स्फेयर लिया जाएगा, हॉलो स्फेयर, और इसके इस पोर्शन को कट कर लिया जाएगा। आप जैसे फुटबॉल देखो, फुटबॉल में हम बात करें, फुटबॉल को हम ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना दें और उसके इतने पोर्शन को कट करके निकाल लें, तो ये हमें सामने से देखने पे कैसा लगेगा, जस्ट लाइक तवा जो होता है जिस पर रोटी बनाते हैं हम लोग, वो तवे जैसा दिखेगा, हल्का सा कर्व्ड। इस कर्व्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अपर्चर। इस अपर्चर को यदि हम लोग लेकर बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये मिरर स्फेरिकल का कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्फेरिकल मिरर हैविंग पॉलिश्ड या हैविंग पॉलिशिंग सरफेस आउटर साइड इज नोन एज कॉनकेव, या इस उभरे हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं बल्जिंग। ठीक है, बल्जिंग पार्ट पे यदि मिरर वो किया गया पॉलिशिंग तो कॉनकेव, यदि बल्जिंग पार्ट को पॉलिश न किया जाए, इनर पार्ट को पॉलिश किया जाए, और बल्जिंग पार्ट कैसा काम करे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉन वैक्स मिरर। क्लियर? तो ये दो तरह के हमें मिरर पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉनवेक्स, और एक यहाँ से प्लेन मिरर। चलिए, अभी प्लेन मिरर पढ़ने से पहले एक चीज बताएं, हम लोग डिफाइन करते हैं बार बार कि हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सिंपली क्या बोलते हैं कि इमेज जिसका बनता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मिरर के सामने जो रखा रहता है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के कन्फ्यूजन होगा हायर क्लासेस में, ऑब्जेक्ट जब आते हैं दो तरीके से। अभी तो 10th में क्या पढ़ने हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स जो दिखते हैं, जो एक्चुअल होते हैं। बाद में आपको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है या रियल है, तो उससे बचने के लिए पहले ऑब्जेक्ट के विषय में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली किसे कहेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेशन हम बना रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। जहां पर इंसिडेंट रेज आती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब रियल और वर्चुअल में कैसे फर्क देखेंगे, डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो देखिए रियल की कहानी, हम एक ले लेते हैं मिरर, ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम एक यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट से इस पे इंसिडेंट कैसे आएगा, तो मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ से जो रेज आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं मिरर के लिए। ठीक, तो ये रेज जो हैं कैसी हैं, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो जो फैलती हैं, डाइवर्ज होती है, उसे हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो जब रियल ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो हमेशा इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से कैसी होंगी, डाइवर्जिंग पे होंगी। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे अगर हुई तो क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। इसी का उल्टा देखिए, अगर हमारे पास जैसे ये है, एक रेज इधर से आए और एक रेज इधर से आए, ये रेज कौन सी कहलाएंगी मिरर के लिए, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही, इधर से, इधर ऑब्जेक्ट रहा होता, फिर ये कहाँ से आ रही, इधर एक ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, तो दो ऑब्जेक्ट से तो इमेज बनेगा नहीं, एक ही अलग अलग होगा, तो ये लगता है कि यहाँ से एक आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, अपीयर्स होते हैं, फील होते हैं। तो अगर हम इसको इधर कहीं फैलाएं तो ये लगते हैं कि यहाँ मीट करते हैं, मिलते कि नहीं आगे चल के, तो लिखा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रेज का जहाँ इंटरसेक्शन होता है उसी को तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ये क्या लग रहा है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो इस बार कन्वर्ज हो रहा है एक जगह पे ना, तो अगर कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम हुआ इंसिडेंट रे, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लग रहा है कि यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरीके से हम इमेज की डेफिनेशन बना लेते हैं। इमेज किसे कहेंगे? तो इमेज के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज, सिंपल सा ये हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है किनका इस बार? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेज का। चलिए रिफ्लेक्टिंग की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां से जब रेज गया तो ये कहां जाता? इधर। ये कहां जाता? इधर कहीं जाता। ये वाला कहां जाता? कहीं इधर जाता। ये वाला कहीं जाता? इधर। क्या लगता है ये रिफ्लेक्टिंग रेज कहलाएंगे? हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है। क्या ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है? मिलेंगी कहीं? नहीं मिलेंगी। तो इंटरसेक्शन कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन लिखा था ना यहाँ पर, इंटरसेक्शन कैसे होगा? इंटरसेक्ट करने के लिए इनको हम कहाँ फैलाएंगे? बैक साइड। अगर बैक साइड मिलाते हैं तो कहीं यहाँ ये लोग क्या होंगे? मिलता हुआ फील होंगे। तो जब मिलता हुआ फील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इमेज की। तो पहला हो जाएगा वर्चुअल इमेज, और इस बार इधर क्या लिख लेते हैं? रियल इमेज, ठीक है। चलिए वर्चुअल इमेज की कहानी। अगर रिफ्लेक्टिंग रेज डाइवर्जिंग हुई तो कभी नहीं मिलेंगी, मतलब पीछे मिलता हुआ फील होंगी, तो वर्चुअल केस आएगा, तो वर्चुअल इमेज इसे कहेंगे। मतलब ये कि वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन अगर बनानी तो क्या लिखेंगे? अगर रिफ्लेक्टिंग रेज डाइवर्जिंग नेचर के हों तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। देखिए डाइवर्ज हो रहा है, इसमें क्या होगा? देखिए अब ये रेज आई, लड़ने के बाद इधर जाएंगी, है ना, रिफ्लेक्ट होगी, और ये आने के बाद इधर जाएगी। लग रहा है कि नहीं रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएंगी? तो रिफ्लेक्शन वाले यहाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। कैसा है रिफ्लेक्शन इस बार, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो इस बार कन्वर्जिंग है। तो जब कन्वर्जिंग होगा तो इमेज यहाँ पे एक्चुअल मिलता हुआ फील होगा, तो इस इमेज को क्या कहेंगे, रियल या वर्चुअल? रियल। तो डिफिनेशन क्या होगी इस बार? जब रिफ्लेक्टिंग रेज क्या हो? कन्वर्जिंग हो तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और डाइवर्जिंग होगा तो इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज। तो ये कहानी थी इमेज और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। रियल कब बनेगा चेक करना, यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्चुअल कब बनेगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। खैर टेंथ लेवल में हमें ऑब्जेक्ट जो हमेशा मिलेगा कैसा मिलेगा? रियल। इमेज दोनों मिलेंगे, वर्चुअल एज वेल एज रियल, क्लियर। चलिए कुछ इमेज के विषय में देखते हैं हम लोग। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेंगे उनकी कहानी, उनकी प्रॉपर्टीज। तो अगली हेडिंग होगी इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, कैसे इमेज बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, दो लॉज थे, उन दोनों को फॉलो करेंगे और इमेज आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको आराम से। ये रहा, ठीक है, ये मिरर हुआ प्लेन मिरर, ठीक। इसके सामने हम लोग क्या रख लेते हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं। तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ ये, रियल या वर्चुअल? तो रियल होगा, क्यों? क्योंकि इस बार जो रेज यहाँ से निकलेगी वो कैसी होने वाली है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। ये देखिए डाइवर्ज हो रहा है। पहला केस, पहला स्टेप हुआ, जहाँ गिरती है वहाँ क्या बना लिया हम लोग? नॉर्मल। यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनता है? सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल से आने वाली रेज जो बनती है वो इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल से आने वाली रेज जो बनती है नॉर्मल इंसिडेंट क्या बनाती है? इंसिडेंट एंगल। इसको आई वन मान लीजिए, इसको आई टू, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, अगर सिमेट्रिक गए तो बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? इंसिडेंट के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल को देखते हुए रिफ्लेक्टिंग एंगल बनाकर R2, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? I2 बराबर R2 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर R1 बराबर I1 कर लीजिए। यहाँ पे स्नेल, वो क्या कहते हैं उसको, स्नेल सॉरी रिफ्लेक्टिंग लॉ फॉलो होगा, पहला वाला यहाँ भी फॉलो होगा, चलिए ठीक। और दूसरा भी फॉलो, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रेज और नॉर्मल तीनों एक ही पे हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल एक ही जगह पे, दोनों लॉ फॉलो हो गए। लेकिन क्या लगता है ये रिफ्लेक्टिंग और ये रिफ्लेक्टिंग मैच होंगे? कभी कभी नहीं मैच होंगे, क्यों? क्योंकि किस नेचर के हैं? डाइवर्जिंग हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इमेज बनाने के लिए कि रिफ्लेक्टिंग रेज जो होती हैं वो मैच करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इंटरसेक्ट तो नहीं होगी, तो क्या करें इसको बैक साइड मिलाते हैं लाइक दिस, जहां मिलता हुआ फील होंगे वहीं क्या बन जाएगा? इमेज। और हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर डाइवर्जिंग बीम हुई रिफ्लेक्टिंग तो कैसा बनेगा? वर्चुअल। अब दिख रहा है रे डायग्राम से दिख रहा है कि ये फील हो रहा है, एक्चुअल मिल नहीं रहा है, दैट्स वाई वर्चुअल इमेज। ये था इमेज बनाने का तरीका,
ठीक। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करिए तो पॉइंट ही है, खैर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, ये मिरर रहा, सामने एक ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये, एक्सटेंडेड, डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, और ये कैसा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंड का कैसे बनाएंगे, अब हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्या सबका बनाएंगे इमेज, नहीं, हम सिर्फ टॉप वाले का और बॉटम वाले का बना लेते हैं, बाकी वो क्या करेंगे मैच करा देंगे। तो इसका बनाएंगे तो एक रेज यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से ले लीजिए, ये लड़की इधर जाएगी, ये लड़कर वापस जाएगी, क्यों, परपेंडिकुलर लाइट आई कितने एंगल पे, 90 से, नॉर्मल से जीरो पर आई तो कितने से जाएगी, जीरो से ही जाएगी, क्योंकि आई बराबर क्या आर होता है, आई इंसिडेंट जीरो, तो रिफ्लेक्टिंग आर भी क्या हुआ जीरो, तो ये पीछे जा रहा है किधर जा रहा है, मिलेंगे कहीं नहीं, तो पीछे कहाँ मिलेंगे, इनको पीछे लाओ, इनको पीछे लाओ, ये मिलेंगे यहाँ पर, तो ये ए हो गया, ए डैश कर लेते हैं इसको, इमेज ऑफ ए। ऐसे बी का सोच ले, सीधा वापस चला गया, एक इधर ले लीजिए, आया यहाँ पे, नॉर्मल खींचेंगे चला जाएगा, ऐसे नॉर्मल यहाँ भी खींचिएगा, देखिए बराबर लग रहा है ना, ठीक, इसको बैक साइड मिलाइए क्योंकि ये वाला और ये वाला मिलेगा नहीं, और इसको बैक साइड मिले, जहाँ मिलेंगे वहीं क्या बन जाएगा बी का इमेज, बी डैश। अब इनके बीच में सीधे इनको मिला दीजिए, बस खत्म हो गया, एक्सटेंडेड का इमेज सेम दूरी पे बन रहा है, सेम साइज का है, तो हम प्रॉपर्टी में जब जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर फर्स्ट, कैसा बना, वर्चुअल बना कि नहीं बना, देखिए इसमें भी वर्चुअल है, उसमें भी वर्चुअल है, डॉटेड लाइन से मिली है, ओके। नेक्स्ट, सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बनी है, देख लीजिए जितना आगे मिरर की ये उतना ही पीछे बन रहा है, जितना आगे ये उतना ही पीछे बन रहा है इमेज ना, सेम साइज का है, साइज बड़ी नहीं हुई है। तीसरा, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब जैसा ये है वैसा ही, उल्टा नहीं हो रहा है, अगर उल्टा होता तो क्या बोलते, इन्वर्टेड, इरेक्ट तो है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर इरेक्ट भी लिखा है नीचे इन्वर्टेड भी लिख दिया, मतलब क्या दोनों लिख रहे हैं। तो देखिए इस मिरर में आप देखने से पता चलेगा, कभी अगर कैमरे से फोटो लीजिए फ्रंट कैमरे से, तो आपको उसमें फील हो जाएगा कि जो लेफ्ट में चीजें थी वो राइट में चली गई, जो राइट में थी वो कहाँ चली गई, लेफ्ट में, दैट इज नोन एज लेटरली इन्वर्जन। इसे समझते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, यदि हम इसका इमेज ऐसा बना दें तो हम इसे बोलेंगे इन्वर्टेड, आपका कहाँ गया डाउन, लेकिन अगर इसका इमेज ऐसा बन जाए लाइक दिस, तो ये ऊपर ही है नीचे नहीं गया, तो इन्वर्टेड तो नहीं हुआ, इसलिए इरेक्ट लिखा गया है, ठीक, लेकिन लेफ्ट में जो पोर्शन था, सॉरी राइट में जो पोर्शन था, राइट ये कहाँ चला गया, इस बार इधर चला गया, तो राइट चला गया लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में था वो कहाँ चला गया, राइट साइड में। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में कितने डिग्री पर बेंड हो जाते हैं, वर्टिकल से 180 डिग्री पर, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, क्लियर। तो प्लेन मिरर में आपको ये देखने को मिलेगा, सीधे अगर हम मिरर में खड़े होते हैं तो हम अपने आप को सीधा ही देखते हैं, लेकिन हमारे लेफ्ट पोर्शन की सारी चीज़ें उसमें किधर हो जाती हैं, राइट साइड में हो जाती हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेविएशन, डेविएशन इन इंसिडेंट रे, जब लाइट किसी मिरर पे गिरती है, प्लेन मिरर पे, तो वो कितने डिग्री से डेविएट हो जाती है, इसकी बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर होगा, सीधे लिख लेते हैं फिर समझते हैं कैसे, 2π - i, ये डेविएशन होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रिज्म में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, ये मिरर रहा, मान लीजिए ये कौन सी रे जा रही है, इंसिडेंट रे, मिरर ना होता तो कैसे जाता बेचारा, सीधा जाता आराम से। अब बात है कि ये मिरर आ गया है, तो यहाँ कौन सा फॉलो होगा लॉ, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है, नॉर्मल खींचिए पहले, और नॉर्मल के बाद जितने एंगल से आई आया हो उतने एंगल से इसको भगा दीजिए आर से, और आई बराबर क्या होता है आर, तो मतलब ये भी क्या हो गया, आई ही हो गया, लिख सकते हैं हम आराम से, ये जाती रेज लेकिन नहीं गई, इधर चली गई, तो डेविएट कितने से हुई है, इतने से ना, डेविएट मतलब बदल जाना, अपने रास्ते को चेंज कर लिया, तो ये कितना हुआ, इसी को डेल्टा कहते हैं, देखिए कितना आएगा आराम से, ये 180 होता है पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है, 180 में से यदि ये वाला माइनस कर दे तो बचेगा कि नहीं इतना, तो ये कितना है, आई है, आई है, 2i होगा कि नहीं आई है, तो पूरे में से 180 में से यहाँ पे सॉरी 280 लिख दिया क्या, 180 लिख लेते हम लोग, 180 होता है, तो 180 में से कितना माइनस करना है, 2i, ये होता है डेविएशन किसमें, इंसिडेंट रे में, जितने से आता बेचारा मिरर पे अगर लड़ता है प्लेन मिरर पे, तो हमेशा इतने से बेंड होगा ही होगा,
क्लियर है। चलिए ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि हमें अपनी पूरी इमेज देखनी हो किसी भी मिरर में, एक सामने प्लेन मिरर रखा है, हम चाहते हैं कम से कम मिरर ले, छोटा से छोटा, और हम अपनी बॉडी का पूरा हिस्सा देख पाए उसमें, तो हाफ साइज ले लें, हाफ साइज ऑफ मिरर इज सफिशियंट सफिशियंट फॉर फुल इमेज। किसी भी बॉडी को, जैसे हमें अपने आप को देखना ही है पूरा का पूरा, तो हम अपनी साइज के हाफ साइज का एक मिरर खरीद के लाए, उसको सामने रखें, हम उसमें अपने आप को पूरा देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं हम आपको, अगर एक छोटा सा मिरर लेते हैं, हैंड मिरर जिसमें हाथ में लेकर हम देख सकते हैं, शेविंग टाइप का जो शेविंग मिरर जो आता है उसको लेकर हम अपने पास में देखें, और उसमें अगर हम अपने फेस को देख पाते हैं कि इतना हिस्सा दिख रहा है हमें, तो क्या लगता है कि अगर उस मिरर को हम दूर रखकर पीछे चलते चले जाए और उस मिरर में देखें तो हमारी पूरी बॉडी दिखेगी? ट्राई कीजिएगा, नहीं दिखेगा। जितना पास में दिखेगा उतना ही कहीं भी पी रख के देखिए, खूब 10 मीटर दूर रख के हम सोचे अपने आप को पूरा देख ले, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइज का बनाता है, साइज बड़ा छोटा नहीं करता है, इसकी खास बात होती है, अब देखिएगा जरूर इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। इफ मिरर इज रोटेटेड थीटा डिग्री, अगर मिरर को हम रोटेट कर दें, जैसे सामने मिरर है हल्का सा रोटेट कर दें, तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रेज विल रोटेटेड बाई 2 थीटा। अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से, तो जो रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्टेड रेज जा रही थी, वो अपने पास से बेंड हो जाएगी कितने डिग्री से? 2 थीटा से। देखिए इसमें सिर्फ मिरर को घुमाना है, इंसिडेंट को टच तक नहीं करना है। जैसे हमारे पास ये मिरर था, हम यहाँ पे एक लेज़र सोर्स रख लेते हैं टॉर्च रेज के लिए, तो एक रेज आई सीधी, ध्यान से देखिएगा इसको, रेज आई, हम बनाते हैं यहाँ पे नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, यहाँ पर मिरर नंबर 1 जब यहाँ पे था तो इसका नॉर्मल बन रहा था N1, और ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और इसी रे एंगल पर ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये रेज क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। क्यों लिख रहे हैं बता रहे अभी, नंबर 1 इसको क्यों लिखा है? इंसिडेंट को मत टच करना है, इसको छूना तक नियम है, बस मिरर को क्या करना, हल्का सा घुमा देना, कितने डिग्री से? थीटा से। तो मान लीजिए मिरर को हम घुमाते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, ये था ऐसे घुमा दिया, तो मिरर अब ऐसे दिखेगा हमें, कौन सी पोजीशन में? M2, दूसरे पोजीशन में। कितने डिग्री पर घुमा ये मिरर? थीटा पर। तो क्या लगता है, जब मिरर पहली पोजीशन पे था तो इसका नॉर्मल यहाँ था, जब मिरर थीटा से घूमेगा तो इसका नॉर्मल भी अपनी पोजीशन से कितने पर घूम जाएगा? थीटा पे ही घूमेगा। तो इस समय मिरर 2 के अकॉर्डिंग अगर 90 डिग्री पर हम इसका खींचे तो ये कहीं यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो ये नॉर्मल 2 लिख लेते हैं। नॉर्मल 2 और नॉर्मल 1 में भी कितना एंगल? थीटा, बिकॉज M1 और M2 में भी कितना एंगल है? थीटा ही है, तो ये दोनों आपस में थीटा पे हैं, तो नॉर्मल भी कितने डिग्री पे घूम जाएगा? थीटा पे घूम जाएगा। अच्छा, अब क्या लगता है, ये इंसिडेंट मिरर 2 के लिए कितना एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? ये वाला ना पूरा, तो ये क्या कहलाएगा? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस I-। तो इसी के एंगल से, नॉर्मल से ये रिफ्लेक्शन इस बार होगा, रिफ्लेक्शन पहले वाला ये था मिरर नंबर 1 से, अब मिरर नंबर 2 के नॉर्मल से इतना एंगल बनाता है, तो इतने एंगल से ये जाएगा भी, देखिए ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? R-। और जो पहली बार गया था वो कहाँ गया? ये गया ना, ये वाला था R, लिख लेते हैं इसको। खैर I बराबर क्या है? R है, याद रखेंगे। ये कौन सा रेज कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग रेज नंबर 2, देखिए इसलिए हम 2 बता रहे थे, 1 किसकी हेल्प से था? M1, और 2 किसकी हेल्प से? M2 की हेल्प से, और इंसिडेंट को हमने टच तक नहीं किया है। अच्छा आइए, तो रिफ्लेक्शन नंबर 1, रिफ्लेक्शन नंबर 2 कितने से शिफ्ट हुआ है? आंसर है 2 थीटा से। देखिए कैसे इनके बीच का एंगल बोला जा रहा है 2 थीटा है, यही हमारा आंसर आना चाहिए, देखिए कैसे। तो इसको पहले कुछ और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको वाई मान लेते हैं, या एंगल मान रहे हैं तो बीटा मान लेते हैं। चलिए बीटा एंगल है, बीटा हमें देखते हैं कितना आता है। बीटा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये पूरा आर डैश है, अगर इस आर डैश में से छोटा वाला एंगल दिख रहा है, इसको हटा दें,
ये वाला बीटा आ जाएगा। तो बीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, बीटा इज इक्वल टू आर डैश माइनस दिस स्मॉल एंगल। और ये स्मॉल एंगल कितना होगा देखिएगा, ये पूरा कितना है आर है और ये छोटा सा कितना है थीटा, तो ये कितना हुआ आर माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख देते हैं आर माइनस थीटा, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग आर डैश कैसे निकलेगा, ये आर डैश। तो देखिए आर डैश विल बी इक्वल्स टू आई डैश, और आई डैश तो इतना है ना, और ये कितना है ये आई प्लस ये थीटा, दिख रहा है ये आई प्लस ये थीटा। तो हम आर डैश को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस थीटा सब जियोमेट्री से है माइनस आर माइनस थीटा, और हमने पहले लिखा था आई बराबर क्या है आर, तो ये आई और ये आर कट जाएंगे, क्यों प्लस और माइनस है, ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ थीटा है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा, तो कितना आ गया आंसर टू थीटा, देखिए बीटा इज इक्वल टू थ्री थीटा। तो ये भी हमें कम कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें ये रिजल्ट अगर याद है तो काफ़ी हेल्प होगा, ये जरूरी नहीं कि एकदम अच्छे से याद ही हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास 10th में हैं ज्योमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम लोग प्लेन मिरर की। यदि प्लेन मिरर जैसे ये है, ये मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था ओ, ये भाग रहा है मिरर की तरफ दौड़ रहा है, हमने सामने एक दीवार देखी, दीवार पूरी मिरर की है, मिरर के सामने हम अपने आप को देख रहे हैं मिरर में और हम उसकी तरफ दौड़ने लगे, तो पहले इसमें भी हमारा इमेज दिखेगा, तो वो मिरर की तरफ लगेगा भाग रहा है, इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं वो इधर आ रहा है, तो यदि हम वी से दौड़ रहे हैं इसकी तरफ, तो हमें अपना इमेज जो है वो कितने से आता हुआ दिखेगा, तो वी से ये भी भागेगा, तो देखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ चलती है, ध्यान सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहीं रहता तो इमेज यहीं रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे आ रहा तो इमेज भी धीरे धीरे आगे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी घटेगी तो इमेज की बीच की दूरी भी मिरर से घटेगा, बिकॉज सेम डिस्टेंस पे रहते हैं हमेशा, जब ये आगे आएगा तो ये भी आगे आ जाएगा, जितनी तेजी है उतनी तेजी है, तो ये भी वी से भागेगा। अब इन भाई साहब को ये इमेज आएगा सॉरी दिखेगा कितने से आता हुआ, तो ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, अगर ये रुका रहता तो ये वी से ही दिख जाता, लेकिन ये भी चल रहे हैं, तो जब दो लोग अपोजिट साइड में चलते हैं तो बहुत तेज लगता है, आप कभी साइकिल से या बाइक से जा रहे हो, बगल से कोई आ रहा है तो लगता है बहुत तेज क्रॉस हुआ, इवन उसकी स्पीड नॉर्मल रहती है, तो इनकी इसकी स्पीड क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट फील वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ट्वाइस ऑफ इट्सेल्फ, जितनी तेज ऑब्जेक्ट आएगा उतनी ही डबल स्पीड से इमेज को वो फील करेगा कि आ रहा है। यदि ये मिरर पे कोई बैठा होता, खैर मिरर पे तो बैठ नहीं सकते, मतलब मिरर रुका तो है ना, तो जब जमीन पे खड़ा होगा अर्थ पे वो भी रुका होगा, तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में समटाइम्स हमें पूछा जाता है कंपटीशन में कि ऑब्जेक्ट वी से आ रहा है इमेज बताइए कितनी तेज आ रहा है, तो हम सोचे रहते हैं याद किए रहते हैं टू वी से, लेकिन ध्यान दीजिए किसके लिए है, ऑब्जेक्ट को फील होगा, मिरर को कितना फील होगा या जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको कितना फील होगा, उसको सिर्फ यही दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो रुका है ना, तो इसको तो एक्चुअल इसकी दिखेगी, ये चल रहा था इसलिए इसको एक्चुअल नहीं दिख रही थी, इसको डबल दिख रहा था, ऐड हो जा रहा था, क्लियर। तो ये कहानी थी हमारे पास आज, प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।